हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो बच्चों, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फॉर पासिंग योर 12th एग्जामिनेशन. आप सब लोगों ने अपना 12th एग्जामिनेशन पास कर लिया, उसके लिए वेरी कंग्रेचुलेशंस. सो फाइनली अब आप सीए कोर्स में एंटर कर चुके हैं, और जो आपका सबसे पहला लेवल है वो है आपका सीए फाउंडेशन. जो आपका सबसे पहला लेवल है वो है आपका सीए फाउंडेशन, है ना? कैसा सबको अच्छा फील हो रहा होगा कि यार फाइनली अब हम सीए में आ चुके हैं, अब हम सीए करेंगे, अब हम सीए वाले स्टूडेंट्स हो चुके हैं. वो जो 11th 12th वाला सफ़र था, वो जो सुहाना सफ़र था, वो अब आप छोड़कर आ चुके हैं, और अब आप फाइनली आपने ये डिसीजन ले लिया कि अब आप सीए करने वाले हैं. तो जो आपका पहला कोर्स है, पहला लेवल है सीए का, दैट इज सीए फाउंडेशन, जो कि आपके 3 लेवल में होंगे. सीए फाउंडेशन, उसके बाद होगा आपका सीए इंटर, और उसके बाद होगा आपका सीए फाइनल. ये 3 लेवल्स में आपके ये एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि यस आई एम अ सीए. तो जो सबसे पहला लेवल है बच्चों आपका, वो है आपका सीए फाउंडेशन. तो ये जो सीए फाउंडेशन वाला लेवल है, इसमें क्या है? इस सीए फाउंडेशन लेवल में ना बच्चों, आपके 4 पेपर्स हैं. कितने पेपर्स हैं आपके? आपके 4 पेपर्स हैं. सबसे पहला तो है आपका अकाउंट्स, दूसरा है आपका लॉ, तीसरा है आपका मैथ्स, और चौथा है आपका इकोनॉमिक्स. ये 4 आपके पेपर्स हैं सीए फाउंडेशन में, और ये चारों पेपर कवर करता है आपका 100 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया? 400 मार्क्स. ये 400 नंबर, ये जो है, ये जो 400 नंबर है, इसमें आपको टोटल पासिंग परसेंटेज चाहिए 50%, यानी कि कम से कम अगर आपको पास होना है तो आपको कितने नंबर चाहिए? 200 नंबर. आपको कितने नंबर चाहिए होगा? 200 नंबर चाहिए होंगे. ये जो 200 नंबर है, ये तो आपका एग्रीगेट है कि आपको 50% चाहिए एग्रीगेट. लेकिन अगर हम बात करें आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की, तो आपको हर इंडिविजुअली आपको सब्जेक्ट में नंबर चाहिए 40%. कितना चाहिए बच्चों? 40%. यानी कि एग्रीगेट में आपका हो गया 50%, लेकिन इंडिविजुअली 40%. सपोज एग्जाम्पल, अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में 40 नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट में 60 नंबर आता है, तो आपको ऑलरेडी वो क्या हो जाता है? मैनेज हो जाता है. ठीक है, यानी कि आपका एग्रीगेट कितना बन जाता है? 50% बन जाता है. सो इंडिविजुअली 40% एंड एग्रीगेट 50%. ये जो आपका सब्जेक्ट है बच्चों, इसमें ये जो आपका 2 पेपर है ना, अकाउंट्स और लॉ, ये दोनों ना आपका सब्जेक्टिव पैटर्न है. सब्जेक्टिव पैटर्न ये क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब अभी तक आप जो करते आ रहे थे 11th 12th तक, क्या कर रहे थे आप 11th 12th तक? आप थ्योरी पैटर्न में आंसर्स को लिख रहे थे, पूरा राइटिंग फॉर्मेट था. तो ये आपका जो अकाउंट्स और लॉ वाला सब्जेक्ट है ना, दैट इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म. सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब आपको लिखना पड़ेगा. लेकिन आपका ये जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट है ना, ये मैथ्स और इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव मतलब समझते हैं, एक क्वेश्चन 4 गोले, और आपको उसमें से क्या करना है? जय माता दी. मतलब जय माता दी भी ऐसा मत करना कि कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि यहां पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका हर एक गलत क्वेश्चन में आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग. सो मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वुड बी ऑब्जेक्टिव पैटर्न, और अकाउंट्स एंड लॉ वुड बी सब्जेक्टिव पैटर्न. तो ये जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना बच्चों, हमारा सब्जेक्ट होगा ये पेपर 2. हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा? ये पेपर 2. पेपर 2 क्या है हमारा? अगर हम बात करें इस पूरे पेपर 2 की, तो इसका नाम आपको पता है क्या है? आपने देखा कभी, क्या आपने कभी आईसीआई की मॉड्यूल खोली है, उसमें क्या नाम लिखा है आपके? इस पेपर 2 का नाम है बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ. बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, या फिर हम कह सकते हैं बिजनेस लॉ एंड इसमें जो आपका एक और सब्जेक्ट ऐड है वो है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. ये बच्चों आपका ना टोटल कवर करता है 100 मार्क्स. ये आपका
टोटल कवर करता है 100 मार्क्स, यानी कि ये दो पेपर है, लेकिन ये दोनों पेपर कितना कवर करेगा आपका, 100 मार्क्स कवर करेगा। ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये कवर करता है आपका 60 मार्क्स, और ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये कवर करता है 40 मार्क्स। देखो बच्चों, ये जो आपका दो सब्जेक्ट है ना सीए फाउंडेशन में, दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ, ये दो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऐसे मत सोचा कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बहुत। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपके सिर्फ सीए फाउंडेशन लेवल में नहीं है, ये आपके आगे आने वाले इंटर लेवल में और आपके आगे आने वाले फाइनल लेवल में भी प्रेजेंट होंगे। ये अकाउंट्स एंड लॉ आपके दो सब्जेक्ट हैं, विच वुड बी प्रेजेंट इन योर इंटर लेवल एंड योर फाइनल लेवल, ये दोनों ही लेवल में ये प्रेजेंट होंगे। तो इसमें ना हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ध्यान हमें चारों सब्जेक्ट्स में देना है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि ये पेपर आपके इंटर और फाइनल लेवल में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये ना सबके लिए नया है, ये जो पेपर टू है ना ये सबके लिए नया है। सबके लिए नया है मतलब जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं और जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैटर करता है कि आप कौन से स्ट्रीम से आए हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम से थे या फिर आप साइंस फील्ड से थे। अगर आप दोनों में से कोई भी फील्ड के थे तो आपका ऑब्वियस ही बात है, आपका जो सब्जेक्ट था वो आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, एडवांटेज देगा, क्योंकि आपको बेस पता है। लेकिन ये जो बच्चों पेपर है ना, बिजनेस लॉ वाला जो हमारा पेपर टू है, ये सबके लिए नया है, भले वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है भले वो मैथ्स बैकग्राउंड का है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये पेपर सबके लिए नया है। यानी कि आपको सबको उतनी ही मेहनत करनी है, उतना ही समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पेपर के लिए हम बिल्कुल ना जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। यानी कि सबसे पहले तो यानी हमें यही समझना पड़ेगा कि लॉ है क्या। जब हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो हमें तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लॉ होता क्या है, और उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि ये पेपर आपका सब्जेक्टिव पैटर्न होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि अभी तक आप 11 12th में जब आप बच्चे थे, जब आप करते आ रहे थे, वैसे ही आपको इस पेपर में करना है, वैसे ही आपको इस पेपर में करना है। लेकिन इस पेपर में लिखना जरूर है, लेकिन आपको ना इसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, आपने लिख तो दिया, आपने बिल्कुल सही लिखा, लेकिन लिखने के बाद जो चेक कर रहा है वहां इंस्टीट्यूट में बैठकर, क्या उसको आपका आंसर अच्छा लगा या नहीं लगा। हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया ही है, लेकिन उनको भी अच्छा लगना चाहिए, और जिसके लिए हमें खूब सारी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो हमें ना एग्जाम में दिक्कत होने वाली है। इसीलिए जब हम अपनी क्लास करेंगे, हम खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारी हम राइटिंग करेंगे, हम खूब सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, हम पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स करेंगे, सो दैट आपको वहां जाकर प्रॉब्लम ना आए, वहां जाकर हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जो मेहनत करनी है यही कर लो, वहां जाके हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मे बी देर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश और हिंदी मीडियम, दोनों के हो सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के। तो बच्चों जो भी आपको अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए अभी से मेहनत शुरू कर दो। अगर लैंग्वेज थोड़ी भी प्रॉब्लम है, भले वो इंग्लिश मीडियम का हो भले वो हिंदी मीडियम का हो, अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। जैसे जैसे हम टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे आप क्या करेंगे, टॉपिक्स कंप्लीट होते ही ना उसकी रीडिंग और राइटिंग करेंगे। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, डेली एक क्वेश्चन लिखकर जरूर देखना है, डेली एक क्वेश्चन लिखकर जरूर देखना है। उससे फायदा क्या होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। जब आप आज से 6 महीने तक लगातार, जब आज से आप 6 महीने तक लगातार लिख के देखेंगे ना, भले ही डेली एक क्वेश्चन मींस वन पेज, तो सोचो आगे चलकर आप 6 महीने के बाद कितने परफेक्ट हो जाएंगे। और वो कैसे लिखना है वो तरीका मैं आपको बताऊंगी, यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसका क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके से आप लिखेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ क्लास में बताने वाली हूँ। और हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि हम भले ही एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो, हम
एक क्वेश्चन जरूर लिख के देखे क्लास में। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्लास में क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, सो दैट जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी और आप उसको क्या कर सकते हो, बेस ले सकते हो और उसके बाद आप अपने आंसर्स ड्राफ्ट कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन किन तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कैसे केस स्टडीज आती है, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको सब लग रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या केस स्टडी है, ये क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम सब एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां पर आने वाले। इसीलिए क्योंकि राइटिंग इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप बच्चों क्या करेंगे, सब लोग एक एक बिजनेस लॉ की एक नोटबुक बनाएंगे और वो नोटबुक क्या होगी, वो इतनी मोटी नोटबुक होगी, सो दैट जब मैं आपको कॉन्सेप्ट करा दूंगी वही कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगी। इससे एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जो होगी होगी क्योंकि आप लिखेंगे, आपने समझ लिया फिर आप लिखेंगे। दूसरी बात क्या होगी पता है, ये जो आपकी नोटबुक है ना, ये आपका खजाना होगा, ये आपका बिल्कुल एक खजाना है। कैसे खजाना है, क्योंकि ये नोटबुक ना आपको अपने पास रखना है आपके एग्जाम्स तक। अगर आपने ये नोटबुक अच्छे से पढ़ लिया ना, अगर ये नोटबुक अच्छे से पढ़ लिया, आई गारंटी कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ऐसा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन उस नोटबुक से बाहर नहीं आएगा। तो मैं आपको सारे के सारे जो भी रूल्स हैं हमारे, जो भी एक्ट कहता है हमारा, एक एक जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल लिखवाऊंगी। तो भले आप बुक पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो नोटबुक आपका खजाना है, वो नोटबुक आपके एग्जाम पर्पस से होगा। तो जब किसी को बहुत इच्छा है ना पढ़ने की, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो उस नोटबुक को पढ़ेगा, उसके बाद वो आईसीआई की मॉड्यूल पढ़ेगा। ICA की मॉड्यूल पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको वो मॉड्यूल समझ आने लगेगी। अगर आप आज ये सोचेंगे ना चलो मैं एक मॉड्यूल पढ़ लेता हूँ, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो कैसे समझ आएगा, आप पहले वो क्या क्या करेंगे, नोटबुक पढ़ेंगे, और नोटबुक पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, आप उस बुक को पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम नई नई लैंग्वेज सीखेंगे, लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर हम नई नई लीगल लैंग्वेज सीखेंगे। लीगल लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी आज हम बहुत ही जनरल भाषा में बात करते हैं, लेकिन जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ना बच्चों लॉ, इसमें देयर आर न्यूमरस लीगल लैंग्वेजेस जो कि आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपके एग्जाम में भी काम आने वाली है, और वही लैंग्वेज वही वर्ड्स का हम अपने एग्जाम में यहाँ पर जो हम पैटर्न लिखेंगे उसमें हम यूज करेंगे, ताकि जो चेक कर रहा है उसको ये पता चल जाए वाह इसको तो सब चीजें आती है, इसने बिल्कुल सही यूज किया है लैंग्वेजेस को, चलो इसको पूरे नंबर दे दो। तो हमें ना उसे पूरे नंबर छीनने, अब वो कैसे भी हम छीने वो हमारे ऊपर है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक दो बात बच्चों और, एक तो ये कि जब भी मैं आपको क्लास में कॉन्सेप्ट कराऊंगी, डोंट राइट एनीथिंग, आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको अच्छे से लिखवाऊंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो आप नहीं लिखेंगे। आप क्यों नहीं लिखेंगे उसको, क्योंकि जब कई बार होता है बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूं और आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो छूट गया ना, कॉन्सेप्ट तो छूट गया, और लिखने का मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूं, वो भी टाइम आपका गया। तो लिखने का जब आपको टाइम मिल रहा है तो कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है, जो चल रहा है उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको जब लिखने का टाइम दूंगी आप आराम से लिखिए। हमने जो आपको आपके इंस्टीट्यूट यहाँ पर हमने आपको जो किताब देंगे, हम आपको लॉ की बुक देंगे, उसमें सारी चीजें होंगी, बट दिस राइटिंग ऑब्जेक्टिव इज ओनली फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस एंड सेकेंड इन ईजी लैंग्वेज, सेकेंड इन ईजी लैंग्वेज, सो दैट अगर किसी को भी थोड़ी भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्या होगी, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तुरंत इसको पढ़ेगा और पढ़ते ही उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है, और विथ एग्जाम्पल होगा, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने एग्जाम्पल पढ़ा, ये लो बूम हमें तुरंत से समझ आ गया, अब हम तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, जो आपका सब्जेक्ट है अभी जो हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, ये आपका सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का।
ये आपका सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का. कितने नंबर का है? 60 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट है. शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ. बच्चों, आई एम सी एस सुरुचि सोनी. मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ. और लास्ट 6-7 ईयर्स से, 6.5 ईयर्स से टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं ये सब्जेक्ट सी ए फाउंडेशन, मतलब पहले आपका सी बी टी हुआ करता था, वो पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न था. अब ये फाउंडेशन हो चुका है, तो उस टाइम से मैं सी पी टी लेवल और सी ए फाउंडेशन को ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ. तो मुझे ये लगता है कि आई बिलीव कि मैं यहाँ पर, मैंने जितना भी अभी तक बच्चों से एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि आप आराम से ये जो 60 मार्क्स है इसमें कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप 60 में से ऐसा कोई भी क्वेश्चंस होगा जो कि आप सॉल्व करने में इनकेपेबल हो गए कि भाई हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा. यू विल बी वेरी फ्री. आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये आपके माइंड में बिल्कुल रहेगा. लेकिन उसके लिए ना बच्चों, बस आपको एक काम करना है कि आपको प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि हम लिखे कैसे. रिपोर्टिंग, ताकि इससे बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस हो, ताकि बच्चों का लैंग्वेज पे कमांड आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चलकर इंटर और फाइनल भी आपका पूरा सब्जेक्टिव है. और बच्चों को नॉलेज खूब होती है लेकिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से ये सब्जेक्ट आ गया बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. सो दैट फाउंडेशन लेवल से ही ना हम बच्चों को सिखाना शुरू कर दें कि ये देखो इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से हमें लैंग्वेज पे कंट्रोल करना है, इसीलिए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं हम बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ का. ये जो हमारा टॉपिक है बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, हम इसको स्टार्ट करते हैं. बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, बिजनेस और कंपनी की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले तो जिसका मतलब हमें समझना है वो क्या है, वो है लॉ. सबसे पहले जो जिसका मतलब हमें समझना है वो है लॉ. क्या होता है लॉ का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? क्या होता है लॉ का मतलब? देखो जब हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, सो आई वांट इंटरेक्शन फ्रॉम एवरीवन. मुझे यहाँ पर स्क्रीन दिख रही होती है तो आई वांट इंटरेक्शन फ्रॉम एवरीवन कि उनके थॉट्स क्या है उस टॉपिक पे. अभी तो सिंपल सी बात है व्हाट इज लॉ, लेकिन आगे हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक करेंगे जो कि हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने ना सुना हो, उस वर्ड से आप फेमिलियर हो सकता है उस वर्ड से आप फेमिलियर ना हो. तो जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे ना, आई वांट एवरीवन इंटरेक्शन टू मी कि भाई ये होता है मैम, ये नहीं होता मैम, इसका मतलब क्या होता है. और जब हम फेस टू फेस करते हैं तो तब तो मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुमको क्या लगता है. तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें इंटरेक्शन चाहिए सो दैट आपके थॉट्स भी बाहर निकल कर आए. और जब आप किसी थॉट को देना चाहते हैं ना, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है और वही दिमाग चलाना है हमें, ठीक है. तो क्या होता है बच्चों लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ क्या है? तो लॉ का मतलब होता है, वैसे तो आपने बहुत ही आम भाषा में लॉ का मतलब सुना होगा, कानून, है ना. लॉ का मतलब क्या होता है? कानून. यही तो कानून है, लॉ तो कानून है. या फिर हम क्या कह सकते हैं, लॉ का मतलब क्या है? ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है बच्चों लॉ, लॉ का मतलब होता है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लॉ का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या होता है लॉ का मतलब? रूल्स एंड रेगुलेशंस. या फिर हम इसको कह सकते हैं कोई प्रिंसिपल्स, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस. या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स. लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर प्रिंसिपल्स. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स किसने बनाए हैं, किसने बनाए हैं? चलो किसने बनाए हैं, उससे पहले मैं आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल का एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है. मान लीजिए आपको अपने दोस्त की एक पार्टी में जाना है, ठीक है. मम्मी ने कहा बेटा 8 बजे तक पढ़ाई करना, उसके बाद ही हिलना घर से. अब आपको हो गई टेंशन, ये क्या बात होती है, दोस्त ने तो 8 बजे हमें बर्थडे पार्टी पे बुलाया है, हमें तो वहां पर जाना है. अब आपने फटाफट 8 बजे तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट की
और आप फटाफट आपने गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाकर आप निकल गए अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी पे। जल्दी जल्दी में आपने कोई भी किसी भी तरीके का सीट बेल्ट नहीं लगाया। आपको लगा मुझे सीट बेल्ट की क्या जरूरत है यार, चलो चलो आपने चल दिए। आप जब आप चलते जाते हैं तो सामने से रेड लाइट आती है। आपको लगता है दोस्त की पार्टी इंपॉर्टेंट या रेड लाइट? ऑब्वियसली आप क्या सोचेंगे, दोस्त की पार्टी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करते हैं, उस रेड लाइट को क्रॉस कर देते हैं। आप बोलते हैं हाँ कुछ नहीं होता, चलो चलो। फिर एक और रेड लाइट आती है, सेम थॉट आता है, क्या दोस्त की पार्टी इंपॉर्टेंट है या रेड लाइट? लेकिन आप तो आप हैं, आपने फिर से वही सोचा, क्या नहीं नहीं यार हमें रेड लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो दोस्त की पार्टी इंपॉर्टेंट है। और आपने फिर से क्या किया, उस रेड लाइट को क्रॉस कर दिया। फिर एक और रेड लाइट आती है, फिर आप वही सोचते हैं यार दोस्त की पार्टी या रेड लाइट। फिर आप तीसरी बार सेम थॉट रहते हैं और आप रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं। तीसरी बार जब आप रेड लाइट को क्रॉस करते हो तो एक पुलिस ऑफिसर बाइक में पीछे पीछे आपके आता है और आपको बोलता है रुको रुको रुको। आप कहते हो क्या हुआ? वो कहता है रुको भाई क्या कर रहे हो, चलो 2000 रुपए निकालो। आप कहते हो 2000 रुपए किस चीज के लिए, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, क्यों 2000 मांग रहे हो? वो कहते हैं नहीं 2000 रुपए तो देने पड़ेंगे। अब क्या आपको वो 2000 रुपए देने पड़ेंगे? अब क्या आपको वो 2000 रुपए देने पड़ेंगे? यस, आपको वो 2000 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे बच्चों? क्योंकि एक तो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया और दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने रेड लाइट को ब्रेक किया, यानी कि आपने उसके रूल फॉलो नहीं किए, तो आपको 2000 रुपए देना पड़ेगा। चलो ठीक है, कैसे भी अब आप बहुत सुस्त होकर दोस्त की बर्थडे पार्टी पे पहुंच जाते हैं। वहां पर सारे दोस्त खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं, यार यहाँ पर लिखा होता है बड़ा बड़ा नो स्मोकिंग जोन। अब वो बात कर रहे कुछ नहीं होता, अब आप फिर से हीरो बनकर घुसते हैं। आप कहते हैं हाँ हाँ कुछ नहीं होता, ये सब तो ऐसे लिखा होता है नो स्मोकिंग जोन, ऐसा थोड़ी कर नहीं सकते। अब आप सब दोस्तों ने क्या किया, नो स्मोकिंग जोन लिखा था बट वहीं खड़े होकर आपने स्मोक करना शुरू कर दिया। आप तो आप हैं। अब क्या होता है, अब फिर से एक हवलदार आता है एक बड़ा सा डंडा लेकर और कहता है दिख तो सब पढ़े लिखे रहे हो, दिखा दिखना नहीं ना तुमको क्या लिखा है, क्या लिखा है, नो स्मोकिंग जोन। अब वो क्या कहते हैं, चलो 500 रुपए दो। अब क्या आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, अब क्या आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे? यस, अब आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि लिखा था नो स्मोकिंग जोन बट स्टिल यू आर स्मोकिंग, बट स्टिल यू आर स्मोकिंग, आप स्मोक कर रहे थे तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। चलो ठीक है, तो कहां चलते हैं, लेफ्ट या राइट, विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड। व्हाई लेफ्ट हैंड साइड? कल हो ना हो, रूल है भाई, क्या कर सकते हैं, यही तो लॉ है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, यही तो लॉ है, यही तो रूल्स और रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स हैं, जो कि किसने बनाए हैं कि रेड लाइट फॉलो करना पड़ेगा या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नो स्मोकिंग जोन में स्मोक नहीं करना, ये सारी चीजें, ये जो रूल किस साइड चलना है, ये सारे रूल्स किसने बनाए बच्चों? ये सारे रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं? हमारे लिए बनाए ना। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस को तैयार करती है। हर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए इन रूल्स और रेगुलेशंस को तैयार करती है। क्यों करती है? आपको क्या समझ आया अभी हमने जो एग्जांपल लिया, इससे आपको क्या समझ आता है, हम ये रूल्स और रेगुलेशंस क्यों तैयार हुए हैं? ये रूल्स और रेगुलेशंस इसलिए तैयार हुए हैं ताकि हमारी एक्टिविटी पे कंट्रोल हो सके, ताकि हमारी एक्टिविटी पे कंट्रोल हो सके। जो हम रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, नो स्मोकिंग जोन पे स्मोक कर रहे हैं, ये तो जरूरी है ना हमारी, हम जैसे लोगों की एक्टिविटी पे कंट्रोल करना, और इसके साथ साथ हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना। अब आप रेड लाइट तोड़ोगे तो बाकी लोगों की तो सेफ्टी हार्म होगी ना, इससे तो स्टेक पे आ गई ना। तो अब एक्टिविटी कंट्रोल करना और सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये दो ऑब्जेक्टिव है किस चीज का, लॉ बनाने का। ये दो ऑब्जेक्टिव है किस चीज का, लॉ बनाने का। तो बच्चों आज अगर आप घर जाओगे और अगर आपसे जब कोई पूछेगा अच्छा लॉ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, मुझे बताओ लॉ का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे,
लॉ हमें अब पता है लॉ का मतलब क्या है. लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स विच इज मेड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर सिटीजन्स टू कंट्रोल देयर एक्टिविटी एंड टू प्रोवाइड देम सेफ्टी. ठीक है, लॉ का मतलब सब लोग बोलेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स विच इज मेड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर सिटीजन्स टू कंट्रोल देयर एक्टिविटी एंड टू प्रोवाइड देम सेफ्टी. इसीलिए ये लॉ को तैयार किया गया है. अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये तो हो गया बच्चों जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो मुझे बताओ कि टाइप्स ऑफ लॉ क्या है, कितने तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस है. वाओ, हम ये बात कर रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने तरीके के हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ, कितने टाइप्स होते हैं लॉ के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ. चलो गिनती करो. तो हमारे लिए होता है, मम्मी के लिए अलग होता है, पापा के लिए होता है, हमारे फ्रेंड्स के लिए होता है, स्कूल के लिए अलग अलग होता है, कॉलेज के लिए अलग होता है, इंस्टीट्यूट के लिए अलग होता है, मेट्रो के लिए अलग है, बस के लिए अलग है, ऑटो के लिए अलग है, फैक्ट्री के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है, वर्कर्स के लिए अलग है. माय गॉड, यहाँ पर तो हम गिनती ही नहीं कर सकते, ना हमें इतनी नॉलेज है. तो बच्चों के रूल्स और रेगुलेशंस की गिनती हो सकती है क्या? नो, रूल्स और रेगुलेशंस की गिनती नहीं हो सकती. कितने टाइप्स होंगे फिर? देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज, देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज, कोई गिनती नहीं है. देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज, कोई गिनती नहीं है. कोई गिनती है क्या लॉ की? अरे यार, कहां से गिनती करेंगे, कोई गिनती नहीं है. देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज. लेकिन वही सेम बात, क्या हम सीए फाउंडेशन में पूरे कवर कर सकते हैं? नो, सीए फाउंडेशन में तो हम पूरे कवर नहीं कर सकते. इसीलिए मैं आपको बताऊंगी दो, इसीलिए मैं आपको बताऊंगी दो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, मैं आपको दो बताऊंगी. एक तो होता है बच्चों सिविल लॉ और एक तो होता है बच्चों क्रिमिनल लॉ. एक तो होता है सिविल लॉ और एक होता है हमारा क्रिमिनल लॉ. ठीक है, दो तरीके के लॉ हम आपको पढ़ाएंगे अभी यहां पे, अभी जो मैं आपको बताने वाली हूं. तो क्रिमिनल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. लॉ का मतलब किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल से. किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल से. अच्छा, क्रिमिनल कौन होते हैं? हु इज क्रिमिनल? रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्रिमिनल से रिलेटेड, बट हु इज क्रिमिनल? क्रिमिनल कौन है? क्रिमिनल वो पर्सन है जो कि क्राइम करता है. क्रिमिनल वो पर्सन है जो कि क्राइम करता है, दैट इज क्रिमिनल. और क्राइम क्या होता है? मान लीजिए आज मैंने आपसे पैसे उधार लिए और टाइम पर वापस नहीं किया, तो क्या मैं क्रिमिनल हूं? क्या मैंने कोई क्राइम किया है? या मान लीजिए आप नो स्मोकिंग जोन में स्मोक कर रहे थे, तो क्या आप क्रिमिनल हैं? क्या आपने किसी तरीके का क्राइम किया है? मैम, लग तो नहीं रहा हम क्रिमिनल हैं, हमने कोई क्राइम किया है. या मेरी शक्ल देखो, क्या मैं आपको क्रिमिनल लगती हूँ? मैंने आपको उस टाइम पे पैसे नहीं दिए, तो ये क्राइम नहीं है. एक ना बच्चों, हमें बात दिमाग में ये बिठानी पड़ेगी कि हर रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ना क्राइम नहीं होता. हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ना क्राइम नहीं होता. तो क्राइम क्या है? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कल मैं ना अभी एक मर्डर करके आई हूं और यहां खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूं, अब क्या मैं आपको कुछ क्रिमिनल जैसी लग रही हूं? यस, अब तो कुछ कुछ क्रिमिनल जैसे लग रहे होंगे, है ना? तो क्राइम का मतलब क्या है बच्चों? बहुत ना सीरियस नेचर की एक्टिविटी, वेरी सीरियस नेचर एक्टिविटी, जिससे कि ना लोगों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि लोगों को ना नुकसान पहुंचता है. जैसे जैसे चोरी करना, जैसे मर्डर करना, रॉबरी करना, ये सारी चीजें क्या है? किडनैपिंग करना, दिस इज क्राइम. एंड द पर्सन हु इज डूइंग इट इज अ क्रिमिनल. एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू सच पर्सन इज कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ, कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ. जैसे बच्चों वेरी सीरियस नेचर एक्टिविटी कवर होती है क्रिमिनल लॉ में ना, वैसे ही ना
लेस सीरियस नेचर एक्टिविटी ना कवर की जाती है सिविल लॉ में. लेस सीरियस नेचर एक्टिविटी ना कवर की जाती है सिविल लॉ में. जैसे पैसे तो उधार लिए थे लेकिन टाइम पे मैंने आपको वापस नहीं किए. पैसे उधार लिए थे मैंने आपसे लेकिन मैंने आपको ना टाइम पर वापस नहीं किए. दैट इज लेस सीरियस नेचर एक्टिविटी कवर्स अंडर सिविल लॉ. लेकिन सेम वही बात, इसके भी दो पार्ट्स हैं. अच्छा, इसके कौन से दो पार्ट्स आ गए बच्चों? इसके दो पार्ट्स हैं. सबसे पहला तो है बिजनेस लॉ और दूसरा इसका पार्ट है कंपनी लॉ. पहला इसका कौन सा पार्ट है? बिजनेस लॉ. और दूसरा इसका पार्ट है कंपनी लॉ. कोई बात नहीं मैम, हम इसको भी समझ लेंगे. कैसे? रूल्स एंड रेगुलेशंस किससे रिलेटेड है? कंपनी से. रूल्स एंड रेगुलेशंस किससे रिलेटेड है? बिजनेस से. मैम सिंपल तो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी को चलाता है. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि किसको चलाता है? बिजनेस को चलाता है. बहुत सिंपल है, हम समझ गए, बिल्कुल सही समझ रहे हो. कंपनी लॉ का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट रेगुलेट्स कंपनी एंड बिजनेस लॉ का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट रेगुलेट्स बिजनेस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट रेगुलेट्स द कंपनी गिवन अंडर कंपनीज एक्ट 2013. किसमें दिया गया है? कंपनीज एक्ट 2013. मैम नाम तो सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ होगा. जो कि बिजनेस को चलाता है ना, जो रूल्स और रेगुलेशन, उसके लिए दिए गए हैं रूल्स काफी सारे एक्ट में. देखो बच्चों, जैसे मैंने कंपनीज एक्ट लिखा है ना, इसमें दिए गए, वैसे ही बिजनेस लॉ से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस दिए गए काफी सारे एक्ट में. सेम हम सारे कवर कैसे करेंगे मैम? बिल्कुल ठीक बात है, हमें सीए फाउंडेशन में चार कवर करने हैं. सबसे पहला है हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जो हमारा सबसे पहला है ना, वो है हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सेकेंड है हमारा बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ठीक है. तीसरा है बच्चों हमारा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है. और एक है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. अच्छा, तो मैम क्या आप हमें ये सिलेबस बता रही हो? यस, मैं आपको क्या बता रही हूँ? सिलेबस किसका? सीए फाउंडेशन का, जो कि अभी अभी आप पढ़ने वाले हैं. कितने नंबर्स के लिए? 60 मार्क्स के लिए. तो मैम जो सिविल लॉ के अंदर जो बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ आता है, क्या वही हमारे सिलेबस में है? यस, वही आपके सिलेबस में है. कंपनी लॉ के अंदर जो कंपनीज एक्ट है और बिजनेस लॉ के अंदर जो काफी सारे हैं लेकिन हमें चार करने हैं, ये दोनों ही मिलाकर आपके हो जाते हैं 60 मार्क्स के. अच्छा, अब हमें समझ आया. लॉ के बहुत टाइप्स हैं लेकिन हमने दो किए. कौन कौन से? सिविल और क्रिमिनल. हमने क्रिमिनल क्यों पढ़ा मैम? क्रिमिनल हमने इसलिए पढ़ा, वरना आप सिविल कैसे समझते? अगर मैं आपको सीधा सिविल समझाती तो आप सिविल नहीं समझते. सिविल को समझाने के लिए मुझे आपको क्रिमिनल समझाना पड़ा. और सिविल के भी दो पार्ट्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, दैट इज बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, जो कि हमारे सिलेबस में है. और बच्चों अराउंड 25 मार्क्स का हमारा आ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अच्छा, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है? यस, ये इतना इंपॉर्टेंट है. अराउंड 10 मार्क्स 5 मार्क्स. मैं जब अराउंड बोलती हूँ ना बच्चों, तो हम दो नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं. तो ऐसे एग्जाम दो और कॉन्ट्रैक्ट 22 नंबर का आएगा तो मुझे बोलना मत मैम आपने तो 25 का बोला था, वो तो 22 का आया. तो दिस इज अराउंड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इतने नंबर के ये एक्ट कवर किए जाते हैं. कौन कौन से? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. अपने अपने घर पे बैठ के और सामने जो बच्चे बैठे हैं वो बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट. ये पांच बिल्कुल याद कर लो, ये पांच हमारे सिलेबस में है. समझ आई सबको? यहां तक जिसको जो डाउट है वो हमसे डाउट पूछ सकता है.
जो डाउट है वो डाउट पूछेगा। अब मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगी। चलिए अब आप क्या करेंगे, इतनी बातें लिखेंगे ताकि जब आप यहां से जाएं और घर पे पढ़े, वैसे तो हमें सब चीजें यही पढ़नी है, सब चीजें यही कंप्लीट करनी है, सब यही लर्न करके जाना है, सब चीजें घर के लिए नहीं छोड़ना। घर में जो आप करते हो बोनस होता है, यहां बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सब चीजें कंप्लीट करनी है और यही लर्न करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ?
लॉ का मतलब हमें समझ आया, जो सब्जेक्ट हम करने वाले हैं उसका मतलब समझ आया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए बनाए हैं, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और हमें एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ हमने जो देखा. वैसे तो देयर आर एन नंबर ऑफ लॉ, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ हमने देखा. क्रिमिनल लॉ वेरी सीरियस नेचर एक्टिविटी कवर करता है, सिविल लॉ लेस सीरियस नेचर एक्टिविटी कवर करता है. अब जिसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, जो कि हमारे सिलेबस में है, जो कि हमें 60 मार्क्स में कवर करने हैं. अब बच्चों बात ये आती है, आपको अब ये लग रहा होगा मैम ये सब तो ठीक है, लेकिन ना ये जो आपने सिलेबस बताया और उसमें जो ये सब चीज़ें लिखी है, ये एक्ट एक्ट ये सब क्या है, ये ईयर, ये सब चीज़ें क्या होती है. बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका, और यही अब हमें आगे देखना है कि ये क्या है, ये एक्ट क्या होता है. सबसे पहले चलो हम देखते हैं ये एक्ट क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्ट, एक्ट क्या होता है, एक्ट का मतलब क्या है, एक्ट क्या है, ए कैपिटल्स में फिर सी और फिर टी, ये क्या होता है एक्ट. अच्छा ये मैंने सब चीज़ें आपने ऑब्जर्व की है, ये सब मैंने जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर है ना, ये मैंने क्या किए हैं, सबको ना कैपिटल में लिखा है ना, सबको मैंने कैपिटल में लिखा है. देखो इंडियन पार्टनरशिप LLP, क्यों ऐसा, क्यों हमने सबको कैपिटल में क्यों लिखा है ये एक्ट का ए, क्योंकि बच्चों ये जो हमारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का अपना अलग मतलब होता है लॉ की दुनिया में, इन वर्ड्स का अपना अलग मतलब होता है लॉ की दुनिया में, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको हमें इसको देखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा. जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं, एक्ट और एक है ये एक्ट, ये एक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्ट, ये एक्ट क्या है, एक्टिविटी है ना, आपकी हरकतें, आपकी बिहेवियर, दैट इज दिस एक्ट. लेकिन अब हमने इसको जब कैपिटल में लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. अब इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, क्योंकि लॉ इस एक्ट का मतलब बिहेवियर नहीं बताता, ये एक्ट अलग है. जो अभी मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है. तो ना लॉ की दुनिया में, लॉ की दुनिया में उनके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी उनकी लैंग्वेज है ना, वो अलग है, और उसको ही हमें इंटरप्रेट करना है, यानी कि उसको ही हमें समझना है कि वो क्या है, उसको ही हमें समझना है कि वो क्या है. तो अब यहाँ हम आते हैं, अब हम ये देखते हैं कि एक्ट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्ट. छोटा ए वाला तो हमको पता है मैम, बिहेवियर होता है, हरकतें होता है, लेकिन ये जो बड़ा ए वाला है इसका मतलब क्या है. देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि लॉ बहुत टाइप्स है, देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज, और लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे कि आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो अकाउंट्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये क्या है, ये आपके सब्जेक्ट हैं. अब ये सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा ना. मैंने आपको बोला लो अकाउंट्स पढ़ो, लो लॉ पढ़ो, तो अकाउंट्स में क्या कोई टॉपिक आएगा, उसको आप पढ़ेंगे, और उस टॉपिक की डिटेल उसके चैप्टर में दी गई होगी ना. जैसे कि मैंने आपको बोला चलो कंसाइनमेंट पढ़ो, तो कंसाइनमेंट एक टॉपिक है, और उस टॉपिक में, कंसाइनमेंट के टॉपिक में उसकी क्या दी गई है, डिटेल्स दी गई है. वैसे लॉ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और उसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और उस चैप्टर में उसकी डिटेल दी गई है. वैसे ही लॉ तो ठीक है, लॉ जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनकी भी अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग एक्ट हैं, और उस किताब में उसकी डिटेल्स दी जाती है. यानी कि लॉ के अंदर आ जाता है एक्ट, और एक्ट के अंदर ही क्या लिखे जाते हैं, एक्ट के अंदर ही बच्चों लिखे ये रूल्स और रेगुलेशंस कहाँ लिखे जाते हैं, एक्ट के अंदर. ये रूल्स और रेगुलेशंस कहां लिखे जाते हैं, एक्ट के अंदर. तो आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट, बताओ मुझे एक्ट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे पता है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लॉज आर इनएक्टेड इन एक्ट. ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इनएक्टेड इन एक्ट. इनएक्टेड का मतलब यहां पर छपे गए हैं, यहां पर लिखे गए हैं, यहीं पर मौजूद है, हमें यहीं से देखना है. तो रूल्स और रेगुलेशंस तो है, लेकिन लिखे कहां गए हैं, कहां से देखें, एक्ट में जाकर देखिए, वहीं पर सारे रूल्स रेगुलेशंस मिलेंगे. रूल्स एंड रेगुलेशंस कितना लेमैन लैंग्वेज है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी को पता है रूल्स और रेगुलेशंस का मतलब क्या है. अब हम इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बोलेंगे, अब ना बच्चों हम इसको बोलेंगे प्रोविजन. क्या बोलेंगे, प्रोविजंस. अगर मैं आपको कभी बोलूं कि ये रूल्स और रेगुलेशंस है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोविजन है.
जब भी हम लॉ में आंसर शुरू करेंगे ना, हम ऐसे शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो प्रोविजन, एज पर दिस एंड दिस, मतलब सो एंड सो प्रोविजन जो भी हम लिखने वाले हैं. तो इस प्रोविजन का मतलब क्या होता है बच्चों? इस प्रोविजन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन. इस प्रोविजन का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन हम नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे प्रोविजन. तो कल को अगर मैं बोलूं एज पर दिस प्रोविजन, सो यू विल गेट टू नो कि नहीं, ये प्रोविजन का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो लॉ के अंदर क्या आता है? एक्ट आता है. एक्ट के अंदर क्या आता है? प्रोविजन आता है. ठीक है, अब प्रोविजन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस. वेरी गुड, ये एक्ट है, इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिख दिए गए. ठीक है, अब किस टाइम पर कौन सा रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई करें, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे हमें इस रूल्स और रेगुलेशंस को अप्लाई करना है? ये कैसे पता चलेगा हमें कि हाँ ये वाला होगा? कैसे पता चलेगा? उसके लिए ना बच्चों कुछ दी गई है नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, इस तरीके की नंबरिंग दी है. अच्छा, नंबरिंग देने से क्या होता है? नंबरिंग देने से हमें सिंपल हो जाता है. अच्छा, रूल नंबर 1, अच्छा रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, कौन सा अप्लाई करना है बताओ, हम वो अप्लाई करेंगे. तो ये रूल नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो डिजिट्स दिए हैं ना, ये जो डिजिट्स दिए हैं, इसको ना हम डिजिट्स नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्शंस. मुबारक हो, अब आप बड़े हो गए, आपने एक और वर्ड सीख लिया. क्या? सेक्शंस. आपने हमेशा से सुना है ये वर्ड सेक्शन, लेकिन सेक्शन है क्या बच्चों? सेक्शन ये डिजिट्स ही तो है. सेक्शन नंबर 1, अब हम रूल नंबर 1 नहीं बोल रहे, अब हम बोल रहे सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, डिजिट्स हैं. और डिजिट्स क्या है? डिजिट्स हैं बच्चों विदाउट ब्रैकेट्स. डिजिट्स क्या है? डिजिट्स हैं बच्चों विदाउट ब्रैकेट्स. देखो कोई ब्रैकेट्स लगाया क्या मैंने? नहीं. एंड इफ देयर इज अ डिजिट व्हिच इज विदाउट ब्रैकेट्स, इट इज नोन एज सेक्शंस. इफ देयर इज अ डिजिट व्हिच इज विदाउट ब्रैकेट्स, इट इज नोन एज सेक्शन. हो सकता है बच्चों इसका कोई सब पॉइंट हो, इस पॉइंट का भी कोई पॉइंट हो. वो लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, वो लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से. यानी कि डिजिट्स तो है लेकिन ना विद इन द ब्रैकेट्स हैं. देखो डिजिट्स हैं लेकिन ना विद इन द ब्रैकेट्स हैं. और इसको पता है हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम कहते हैं सब सेक्शंस. इसको हम क्या कहते हैं? सब सेक्शन. है ना, सेक्शन का सब पॉइंट इज सब सेक्शन. यानी कि डिजिट्स हैं लेकिन वो विद इन द ब्रैकेट्स हैं. डिजिट्स हैं लेकिन वो विद इन द ब्रैकेट्स हैं. पता है इसका भी सब पॉइंट हो सकता है. सोचो कितने रूल्स हैं, इसका भी सब पॉइंट हो सकता है. वो लिखे जाएंगे कुछ इस तरीके से. आपने देखा मैंने कैसे लिखा? मैंने ना स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है और विद इन द ब्रैकेट्स लिखा है. कैसे लिखा है मैंने? स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है और विद इन द ब्रैकेट्स लिखा है. इसको पता है हम बच्चों क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्लॉजेस. इसको हम बोलेंगे क्लॉजेस. और खास बात यह है कि इसका भी सब पॉइंट हो सकता है. इसका भी सब पॉइंट हो सकता है. मैम क्या बोल रहे हो? यस सही बोल रहे हूँ, इसका भी सब पॉइंट हो सकता है. और वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. कैसे लिखा मैंने? अब कैसे लिखा बच्चों? मैंने लिखा स्मॉल रोमन नंबर. भूल थोड़ी गए बचपन की बातें. इसको क्या कहते हैं हम? स्मॉल रोमन नंबर. स्मॉल रोमन नंबर विद इन द ब्रैकेट्स. स्मॉल रोमन नंबर विद इन द ब्रैकेट्स. और पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सब क्लॉजेस. इसको हम क्या कहते हैं? सब क्लॉजेस. तो बच्चों अब हमें पूरा समझ आ गया ना कि एक्ट तक तो ठीक था, अब हमें और बातें समझ आ गई कि सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, ये सारी चीजें भी कुछ होती है और ये भी हमें देखनी है. क्योंकि कल को जब ऐसे पॉइंट्स हमारे पढ़ते पढ़ते किताब में, बुक्स में, कोई भी जगह आप देखेंगे आगे तक, अब आपको ये पता होगा कि इसको बोला क्या जाता है. तो लॉ के अंदर एक्ट, एक्ट के अंदर ही प्रोविजंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. अब उसको कैसे लिखे गए? सेक्शंस में डिवाइड किया गया, रूल्स डिवाइड किए, सेक्शन के सब सेक्शन, सब सेक्शन के क्लॉजेस, क्लॉजेस के सब क्लॉजेस. अब अगर डिजिट्स विदाउट ब्रैकेट्स है देन वी नो कि वो सेक्शंस हैं. अगर वो डिजिट्स विद इन द ब्रैकेट्स है वी नो वो सब सेक्शंस हैं. स्मॉल अल्फाबेट्स विद इन द ब्रैकेट्स क्लॉजेस है और स्मॉल रोमन नंबर विद इन द ब्रैकेट्स वो सब क्लॉजेस है. देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं है, बिना एग्जाम्पल के तो लॉ है ही नहीं. मोर एग्जाम्पल्स मोर क्लैरिटी,
मोर एग्जाम्पल्स मोर क्लैरिटी. देखो सेक्शन 10 क्या लिखा है, 10(1)(a)(2) ऑफ, मान लो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अच्छा तो ये हुआ सेक्शन, ये हुआ सब सेक्शन, ये हुआ क्लॉजेस और ये हुआ सब क्लॉजेस. मैम हमें समझ में आ गया कि ये होता है सेक्शन, ये होता है सब सेक्शन, ये होता है क्लॉजेस, ये होता है सब क्लॉजेस. अब आपके लिए रहे ऐसे भी आ सकता है कुछ इस तरीके से, लेकिन हमें पूरा लर्न करना है, आपको बोलना नहीं है. तो ये क्लॉजेज है हमें पता है, सब सेक्शन है, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं इट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. यानी कि ये इसको हम क्लॉज भी बोल देते हैं, सब सेक्शन को कई बार हम क्लॉज भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज सब पॉइंट. तो कई बार इट इज ऑल्सो यूज एज अ क्लॉज विच इज नॉट रॉन्ग, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है. लेकिन आप एग्जैक्टली पूछो सब सेक्शन क्लॉज एंड सब क्लॉज, तो इट मे बी used interchangeably. हम दोनों जगह जैसे भी use कर सकते हैं, but the correct thing is always use in this language. This is section, this is subsection, this is clause and this is subclauses. तो अब आप घर जाओगे, अब आपसे पूछेगा अच्छा act पढ़ क्या है, बताना जरा act क्या होता है. तो आप क्या बोलेंगे, रुक, law जो rules और regulations है वो किसी में तो लिखे जाएंगे ना, और वो किस में enacted है, act में, सारे provisions उसमें लिखे गए हैं. और सुन, जब रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं ना तो वो डिवाइड किए जाते हैं किसमें, सेक्शंस में. और सेक्शंस के अंदर क्या होता है, सब सेक्शंस के अंदर क्लॉजेस, के अंदर सब क्लॉजेस. तो चलिए इतनी बातें क्विकली हम लिख लेते हैं. इतनी बातें अब आपको समझ आ गई है कि एक्ट क्या है. तो ये जो कैपिटल वाला ए है, अब आपको समझ आ गया कि कैपिटल वाले ए से एक्ट का मतलब क्या होता है. और अब आपको ये पता है कि स्मॉल ए से क्या बनता है. इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर जो कैपिटल में बातें लिखी जाती है ना, उसका अपना अलग मतलब होता है लॉ की दुनिया में, जो उनकी दुनिया उसमें अलग है. तो देखो एक्ट के अंदर क्या है, देखो अब कोई पूछेगा मैम एक्ट क्या है, तो लॉ के अंदर होगा हमारा एक्ट, उसके अंदर होंगे हमारे प्रोविजंस, उसके अंदर है हमारे सेक्शंस, है ना, उसके अंदर है हमारे सब सेक्शंस, उसके अंदर है हमारे क्लॉजेस. अच्छा चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस. सेक्शंस का मतलब क्या होता है, ये आपके समझने के लिए है, डिजिट्स विदाउट ब्रैकेट्स. अब आपको लिखने से एटलीस्ट ये समझ आ रहा होगा कि हमारे क्लास का कैसा पैटर्न रहेगा, हम जो समझ रहे हैं. देखो बच्चों हम वो लिख रहे हैं, लिखना, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ प्रैक्टिस हो रही है आपकी राइटिंग की, और दूसरा जो आप लिख रहे हो आप लर्न करके जाना है आपने, इसीलिए लिखना इम्पॉर्टेंट है. और दूसरी बात, ईजी लैंग्वेज ज़रूरी है. जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो ईजी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर आप सीधा कॉम्प्लिकेशन में चले जाओगे तो आपको जो आता है वो भी भूल जाओगे. ये एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, 1, 2, 3 इस तरीके से. क्लॉजेस क्या हैं हमारे, क्लॉजेज हैं हमारे स्मॉल अल्फाबेट्स विद इन द ब्रैकेट्स. ठीक है, कैसा लिख रहे हैं हम, ऐसा. उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, सब क्लॉजेस. वो क्या है, डब्बा गुल मत करना, स्मॉल रोमन नंबर विद इन ब्रैकेट्स. कैसा है, ऐसा है, रोमन नंबर भूलना मत, ऐसा. तो लॉ के अंदर एक्ट, एक्ट के अंदर प्रोविजंस, के अंदर सेक्शंस, के अंदर सब सेक्शंस, के अंदर क्लॉजेस, के अंदर सब क्लॉजेस. एग्जांपल देंगे क्या बच्चों, अभी अभी जो हमने देखा था 10(1)(a)(2) शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जांपल है, दिस इज ओनली एग्जांपल. ठीक है, तो क्या क्या देख लिया, क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया लॉ क्या है,
रूल्स और रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है, गवर्नमेंट ने हम सिटीजन्स के लिए बनाए हैं टू कंट्रोल आवर एक्टिविटीज एंड टू प्रोवाइड अ सेफ्टी। दो तरीके के पढ़े, सिविल और क्रिमिनल। हमारे सिलेबस में क्या है हमने ये भी देख लिया, 60 मार्क्स में क्या कवर होगा। एक्ट क्या है हमने ये भी कवर कर लिया कि एक्ट का मतलब क्या होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये एक्ट बनाया कैसे जाता है, एक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है एक्ट, क्या तरीका है एक्ट बनाने का, कैसे बनाया जाएगा एक्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले मान लीजिए अब हम शुरू कर रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सारे जो बच्चों एक्ट हैं, ये एक्ट कैसे बनाया जाएगा, इनफैक्ट नॉट ओनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाकी एक्ट्स बनाने का भी क्या प्रोसीजर है, कोई भी एक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाएगा कोई भी एक्ट। देखो बच्चों, किसी भी एक्ट को बनाने के लिए, किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने के लिए, सपोज मैंने आज आपसे कहा चलो इस इंस्टीट्यूट के लिए रूल बनाओ, तो क्या आप बना सकते हो क्या? आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते मैम? क्योंकि हमें तो इंस्टीट्यूट के बारे में नॉलेज नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हम कैसे बनाएंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो सोचो ये इतने बड़े बड़े कानून कौन लिखता होगा, कौन बनाता होगा। इसके लिए ना बच्चों बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट देयर आर मिनिस्ट्रीज, अपनी अपनी फील्ड की एक एक मिनिस्ट्री होती है, और वो मिनिस्ट्री क्या करती है, वो उनका काम ही होता है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को लिखना, अगर उनको खुद को लगता है या उनको गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि तुमको इससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस लिखने, तो वो मिनिस्ट्री क्या करेगी, वो मिनिस्ट्री रूल्स और रेगुलेशंस लिखकर गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास नॉलेज पूरी है। देखो आज मैं आपको बोलूं आप बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को छोड़ दो आपके पास, क्योंकि हमारे, क्योंकि अगर आज हम बनाएंगे तो हो सकता है हम इतनी पॉसिबिलिटीज ना सोच पाए, क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है। इसीलिए मिनिस्ट्री क्या करता है, उसके पास फुल पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो, या ऐसे कल को कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को लेकर हमें क्या सॉल्यूशन देना है, उसके लिए भी मिनिस्ट्री क्या करती है, रूल्स और रेगुलेशंस तैयार करती है। कोई भी लॉ क्यों आता है आपको पता है, क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम विच हैज ऑलरेडी अकर्ड मे बी इन पास्ट और मे बी मिनिस्ट्री थिंग्स और गवर्नमेंट थिंग्स दैट इट मे अराइज इन फ्यूचर, तो उसके लिए हम रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। इसीलिए लॉ आता है, क्यों आता है लॉ, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विच हैज ऑलरेडी अकर्ड और इट मे अराइज इन फ्यूचर, जिसके लिए हमें रूल्स और रेगुलेशंस बनाना जरूरी हो जाता है। तो या तो मिनिस्ट्री को खुद ऐसा लगता है कि देयर मे बी पॉसिबिलिटी जो कि आगे चलकर हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा हुआ है या ऐसा करना है, तो हमने रूल्स रेगुलेशंस तैयार कर दिए। नाउ मिनिस्ट्री हैज द फुल नॉलेज टू राइट रूल्स एंड रेगुलेशन, बट मिनिस्ट्री हैज नॉट एनी राइट टू एनफोर्स इट, यानी कि हमारे ऊपर लागू करने का उसके ऊपर राइट नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए, उन्होंने एक रूल बुक बना दी, दिस इज अ रूल बुक, उसने रूल बुक बना दी और बोला लो गवर्नमेंट अब तुम देख लो क्या करना है, हमने लिख दिया अब तुम तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि पावर और अथॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास ही है ना। अब उसने उसको दे दिया, अब क्या प्रोसीजर होगा, रूल्स रेगुलेशंस बन गया, अब तैयार इसके ऊपर हमारे ऊपर अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उस रूल बुक को लेकर पार्लियामेंट हाउस में जाना है। कितने हाउसेस होते हैं बच्चों पार्लियामेंट के, देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वन इज लोकसभा एंड द अदर इज राज्यसभा। सो बच्चों लोकसभा इज द लोअर बॉडी एंड राज्यसभा इज द अपर बॉडी, लोकसभा इज द लोअर बॉडी एंड राज्यसभा इज द अपर बॉडी। जब भी हम जाते हैं ना कहीं तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये जो रूल बुक है, अच्छा ये जो मैं रूल बुक कर रही हूं ना, नाम से ही अच्छा नहीं लग रहा, चलो लेट से कि ये क्या है, हमारा बिल है, चलो हम इसको क्या कहते हैं, बिल कह देते हैं कि ये क्या होगा, बिल है। ठीक है, अब इस बिल को लेकर पहले हम लोकसभा के पास जाएंगे। अगर लोकसभा को लगता है कि इसको पास करना है, यानी कि हाँ ये बनना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो लोकसभा इस बिल को पास कर देगा। अब क्या ये एक्ट बन जाएगा, नहीं अभी एक्ट नहीं बनेगा, अब हम किसके पास जाएंगे,
राज्यसभा के पास, क्योंकि ऊपर से नीचे जाना है ना, तो पहले लोकसभा के पास गए, उन्होंने पास कर दिया, अब हम किसके पास जाएंगे, राज्यसभा के पास। अगर राज्यसभा को भी लगता है हाँ यह एक्ट बनना चाहिए, तो राज्यसभा यह करेगा, पास कर देगा। अच्छा, इस बिल को लोकसभा ने भी पास कर दिया और राज्यसभा ने भी पास कर दिया, क्या अब यह एक्ट तैयार हो जाएगा मैम? नो, पार्लियामेंट के राजा के पास तो हम गए नहीं, एट लास्ट हमें किसके पास जाना है, एट लास्ट हम जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। और बच्चों, जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है ना, असेंट मैम, असेंट क्या होता है? असेंट का मतलब होता है बच्चों अप्रूवल। अप्रूवल मत बोलना, अप्रूवल ऐसे छोटा सा वर्ड लगता है ना, गरीब लोग यूज करते हैं अप्रूवल, हमें क्या यूज करना है, हमें असेंट यूज करना है। असेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूव करना, एक्सेप्टेंस देना, हाँ भरना, अग्री करना, दैट इज असेंट। तो प्रेसिडेंट जब अपनी असेंट देगा ना, तभी एक्ट तैयार होगा। जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट देगा ना, तभी एक्ट तैयार होगा। तो मैम ये तो लंबा प्रोसीजर हो गया। बिल्कुल, क्या ऐसे ही कोई एक्ट आ जाता है? किसी भी एक्ट को लाने के लिए सबसे पहले तो हम जाते हैं लोकसभा के पास, फिर हम जाते हैं राज्यसभा के पास, एंड एट लास्ट जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है, तब ये एक्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ भी यही हुआ था, ये वाला जो हमारा एक्ट है ना, इसके साथ भी यही हुआ था। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ था, इसको ना प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था 25 अप्रैल 1872 को। कब असेंट मिला था? 25 अप्रैल 1872 को। ठीक है, और इसी दिन कहा था कि हम इस एक्ट को हमारे ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं 1 सितंबर 1872 से। तो जो हमारी असेंट डेट है, वो असेंट डेट क्या बन जाती है? 25 अप्रैल 1872। और एप्लीकेबिलिटी डेट क्या बन जाती है? 1 सितंबर 1872। अच्छा, तो मैम ऐसा क्यों हुआ, 25 अप्रैल से क्यों नहीं हो गया, 1 सितंबर तक क्यों लेकर गए? अगर आज मैं आपसे बोलूं, आज आपने 12th का पेपर दिया और मैंने आपसे कहा चलो कल से क्लास, आप बोलोगे क्या कल से ही सीए की क्लास, इतनी जल्दी? हमें मौका तो देते, हमने तो अभी तक एंजॉय भी नहीं किया, हमने अभी तक अपने 12th का अपना बर्डन सर से निकाला ही नहीं, हमें तो पता भी नहीं सीए क्या है या सीए में क्या क्या होता है, हमें माइंड तो प्रिपेयर करने दो। दैट मीन्स एवरीबडी नीड्स अ टाइम। आज एसेंट आ गया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, अब वो क्या करता है, एक टाइम देता है कि इसके बाद देखो सब संभल जाओ, सुधर जाओ, इस दिन से अब इस एक्ट को हम एप्लीकेबल करने वाले हैं। तो इसी दिन 25 अप्रैल को उन्होंने एसेंट दी और कहा कि अब हम इसको कब से एप्लीकेबल करेंगे, 1 सितंबर 1872 से। तो अब जो ये टाइम गैप आ गया ना, अब आप क्या कर सकते हैं, उस डेट के बीच में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ इस दिन से ये एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। So the Indian Contract Act obtained the assent on 25th April 1872 and was applicable from the date 1st of September 1872. इस दिन से ये applicable होगा। अब मैम तो ये 1872 यहाँ से आया? बिल्कुल, ये 1872 कहाँ से आया है? ये 1872 यहीं से तो आया है, देखो यहीं से तो आया 1872। जो ये ईयर लिखा जाता है ना बच्चों, ये ईयर क्या है? इनका हैप्पी बर्थडे। ईयर क्या है? इनका हैप्पी बर्थडे। जिस दिन असेंट मिलती है ना, वो ईयर यहाँ पर लिखा होता है कि इस टाइम से अब ये एक्ट पैदा हो चुका है। अब देखो असेंट मिल गई ना, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया ना, यानी कि इस टाइम से ये एक्ट क्या हो चुका है? पैदा हो चुका है, यानी कि यहाँ इस दिन से इसका हैप्पी बर्थडे आएगा। तो 1872 इज द हैप्पी बर्थडे डेट, यानी कि जिस दिन से आया है, जिस दिन से प्रेसिडेंट ने असेंट दी है, वो ईयर यहाँ पर लिखा जाएगा। अच्छा मैम, अब हमें समझ आया 1872 क्यों लिखा है। 1872 में लाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कहाँ एप्लीकेबल होगा? इंडिया में। कहाँ एप्लीकेबल होगा? इंडिया में। अब ये जो नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब हमें इस नाम का मतलब पूरा अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। 1872 में लाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अप्लाइज टू इंडिया। अच्छा, अब हमें समझ आया इसका मतलब क्या है। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, जब हम कैपिटल्स में लिखते हैं ना, तो क्या होता है,
कैपिटल्स में लिखने से ना बहुत सारी चीजें अपने स्पेसिफिक लॉ की दुनिया में उसका मीनिंग होता है जो कि हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। चलो आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे कि मान लीजिए माइनर वर्ड, ये आपने बहुत अच्छे से सुना है, हो सकता है आप बहुत लोग इस चीज से गुजर रहे हो अभी भी, है ना। क्या होता है माइनर का मतलब? आप बच्चे हैं ना, अभी भी आप क्या हैं? आप बच्चे हैं, अभी भी आप क्या हैं? आप बच्चे हैं, है ना, ऐसे ही होता है, अभी भी आप बड़े नहीं हुए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है क्या कहता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है ना तो आप क्या होने चाहिए? आप माइनर हो, मतलब आप मेजर बन जाने चाहिए। और मेजर कब होते हैं? जब आप 18 या 18 साल से ज्यादा के हो जाते हैं। अगर आप 18 साल से कम है तो आप माइनर है, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। ऐसा कौन कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यू मस्ट बी केपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर ओनली केपेबल व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 18 और अबव, या तो 18 या तो उससे ज्यादा है। एक्सेप्शन भी दिया उन्होंने कि अगर कोई किसी का कोई नहीं है, जैसे कि लाइक ऑर्फिन, अगर उसका कोई नहीं है ना तो 21 ईयर्स में वो मेजर होगा। हम उसको क्या मानेंगे कि वो 21 ईयर्स में वो मेजर हो रहा है, ठीक है। ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। देखो अलग अलग इंटरप्रिटेशन अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें, अगर हम मैरिज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, मैरिज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इसमें तो क्या था? देखो भले लड़का हो या लड़की, यानी कि मेल हो या फीमेल, एक ही रूल है। मैरिज में क्या होता है पता है? अगर शादी करनी है तो सबसे पहले मेजर तो होना ही पड़ेगा, यानी कि 18 तो होना पड़ेगा। तो फीमेल्स को ना अगर शादी करनी है तो 18 ईयर्स का कम से कम होना पड़ेगा, और अगर मेल है अगर उसको शादी करनी है तो उसको कम से कम 21 साल का। ये रूल तो मैम हमें कब से पता है? बचपन से पता है आपको ना ये रूल, क्या कि फीमेल को कितना होना पड़ेगा? 18 ईयर्स, और मेल को कितना होना पड़ेगा? 21 ईयर्स। दिस इज अ लॉ रिलेटिंग टू मैरिज। एक लॉ और है, मान लो वोटिंग के ऊपर, वोटिंग राइट्स को लेकर, ठीक है। अब वोटिंग राइट्स को लेकर लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है भले मेल हो या फीमेल, अगर आपको वोट करना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? 18 साल का। यहाँ पर देखो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया वेदर इट इज अ मेल और फीमेल, बट देयर आर लॉज। जब उन्होंने अपना लॉ बनाया तो उन्होंने अपनी पॉसिबिलिटी सोची, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, और उनको लगा जहां मेल फीमेल को मतलब अलग अलग करना उन्होंने अलग किया, जहां उनको लगता है नहीं करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। तो देखो एक वर्ड है माइनर, और देखो तीनों जगह उसका मीनिंग अलग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग कह रहा है, मैरिज से रिलेटेड लॉज अलग कह रहे हैं, वोटिंग से रिलेटेड लॉज अलग कह रहे हैं। इसका मतलब लॉ तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि जब जिस एक्ट के ऊपर हम काम करते हैं ना उस एक्ट को हमें फॉलो करना है। जब जिस एक्ट को हम काम करेंगे उस एक्ट को हम फॉलो करेंगे। तो ये तीन, ये जस्ट एग्जाम्पल था माइनर को समझने के लिए कैसे कैसे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कैसे कैसे हम चीजों को समझते हैं। वैसे ही यहां पर देखिए 1872 में लाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट से। कहाँ एप्लीकेबल होगा? इंडिया में। तो अब अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूँ तो समझ लीजिए हमने शुरू कर दिया, और इसका पहला पॉइंट भी हमने कर लिया। क्या इसको ना असेंट मिली थी? कब असेंट मिली थी? 25 अप्रैल कब असेंट मिली थी? ये पहला पॉइंट हमने किया, 25 अप्रैल 1872 को। और ये कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 सितंबर 1872 से, ठीक है। अब क्या बच्चों 1872 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट था? क्या 1872 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट था? नो मैम, इंडिया तो इंडिपेंडेंट नहीं था। हमारे ऊपर कौन राज करता था? ब्रिटिशर्स। पता है बच्चों उस टाइम को ना हम इंडिया को कहते थे ब्रिटिश इंडिया। क्या कहते थे? ब्रिटिश इंडिया। तो आपको पता है इस एक्ट को किसने तैयार किया है? ब्रिटिश इंडिया ने। किसने तैयार किया है? ब्रिटिश इंडिया ने। पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे, जैसे हमने जो असेंट लिए प्रेसिडेंट से, पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। हालांकि इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, बट उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो इस एक्ट को किसने तैयार किया है? इस एक्ट को ना ब्रिटिश इंडिया ने तैयार किया है।
इंडिया ने, ब्रिटिश इंडिया ने, किसके बेसिस पे? मैम बेसिस मतलब, बेसिस मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिस का मतलब है एक बेस लेना। अगर आज मैं आपको बोलती हूँ ना इस इंस्टीट्यूट के लिए रूल बनाओ, आप मुझे क्या बोलोगे पता है? मैम हमें ना फिर दूसरा इंस्टीट्यूट, दूसरा स्कूल, कॉलेज, सबका रूल्स बता दो, एक रूल्स रेगुलेशन दे दो, ताकि ना हम उसको एक बेस ले सकें और उसको देखकर हम यहाँ के लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकें, सो दैट हमें इजी हो कि क्या हटाना है क्या नहीं, कैसे रूल्स बनाए जाते हैं कैसे नहीं। तो जब ब्रिटिश इंडिया ने यहाँ के लिए, इंडिया के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे ना, तो जो उनका वहां इंग्लैंड में जो लॉ चलता था उसको ही बेस ले लिया उन्होंने। किसको बेस लेना था? अपने ही तो लॉ को बेस लेना था। तो उनका जो अपना इंग्लिश लॉ चलता था उसको ना बच्चों वैसे हम इंग्लिश कॉमन लॉ कहते हैं, उनका लॉ इंग्लिश कॉमन लॉ, उसको बेसिस लिया और उसको बेसिस लेने के बाद यहाँ के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाया। तो ब्रिटिश इंडिया ने बनाया इंग्लिश कॉमन लॉ के बेसिस पे। पॉइंट क्या होता है हमारा? ब्रिटिश इंडिया ने बनाया इंग्लिश कॉमन लॉ के बेसिस पे बनाया। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो, रूल्स रेगुलेशंस 1872 में आया गया, रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज टू इंडिया, यानी कि ये कहां अप्लाई होगा? इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। कहां कहां अप्लाई होगा? होल ऑफ इंडिया में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, कहां कहां अप्लाई होगा? होल ऑफ इंडिया में। बच्चों पहले क्या होता था ना, सम एक्ट्स वर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एंड सम एक्ट्स वर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। पहले कुछ होते थे और कुछ नहीं होते थे, बिकॉज देयर वाज अ रीजन कि उनको एक स्पेशल पावर थी, एक स्पेशल प्रिविलेज थी कि वो अपने लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। बिकॉज इंडिपेंडेंस के टाइम पर ना, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कश्मीर के राजा के साथ ये वादा कर लिया था कि आप अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकते हो, और वो अग्री किया था उन्होंने। तो हमने इस एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 370, उस पे हमने उनको स्पेशल पावर दिया था कि आप अपने लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हो। अगर आपके पास अपने हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम अपने आपके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसा हुआ था। अब क्या हुआ, हमने ये पावर हटा दिया। अब क्या किया हमने? हमने ये पावर हटा दिया, हमने बोला नहीं अब हम ये पावर नहीं देते। ये शायद आपने न्यूज वगैरह में सुना भी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को मिला दिया गया, वो आर्टिकल 370 हटा दिया गया, अब वो नहीं है, ठीक है। अब जो भी एक्ट है, बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया, बच्चे बोलते हैं मैम हमारे लिए तो बहुत इजी है, पहले याद करना पड़ता था सम एक्ट्स वर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड सम एक्ट्स वर इंक्लूडिंग था, तो हमें तो याद करना ही मुश्किल हो जाता था। अब बच्चे कहते ये बढ़िया हो गया, अब होल ऑफ इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं, तो ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा? होल ऑफ इंडिया, अब जम्मू एंड कश्मीर वाला कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो आपको यही यही से पढ़ना है, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, दैट्स इट। तो 25 अप्रैल 1872 को एसेंट डेट है, एप्लीकेबिलिटी 1 सितंबर। ब्रिटिश इंडिया ने बनाया इंग्लिश कॉमन लॉ के बेसिस पे, होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 4, देखो बच्चों मैंने आपसे कहा ये 1 सितंबर 1872 को लाया गया है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी किस दिन से होगी? 1 सितंबर से। मैम ये कैसे क्वेश्चन है, यही तो एप्लीकेबिलिटी डेट है। लेकिन मान लो इससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मान लो 1 अप्रैल को बनाया है, अब क्या होगा इस दिन से? क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल किया जाएगा क्या? नो मैम, जिस दिन से आया उस दिन से इफेक्ट होगा ना, बहुत पहले से क्यों करेंगे? असेंट भले पहले मिल गई थी लेकिन एप्लीकेबल तो इसी दिन से। अब आपको बोला गया ऑड इवन रूल आया है, 1 जनवरी से फॉलो करना है, हम थोड़ी 25 दिसंबर से गाड़ी लेके घूमने लग जाएंगे ऑड इवन की, क्योंकि 1 जनवरी से आया ना, तो 1 जनवरी से फॉलो करो। सेम इसी के साथ है, सेम इसी के साथ है, और सेम इसी के साथ क्या है, जिस दिन से आया है उस दिन से इफेक्ट होगा, बहुत पहले से इफेक्ट नहीं होगा। जिस दिन से आया है उस दिन से इफेक्ट होगा, इसे हम कहते हैं बच्चों प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या इफेक्ट कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जिस दिन से आया है उस दिन से इसका इफेक्ट माना जाएगा, फ्रॉम द वेरी डे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्रॉम द वेरी डे, किस दिन से नहीं होगा, बहुत पहले से, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।
जिसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जिसका मतलब क्या होता है पता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिसका मतलब क्या होता है पता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इसका इफेक्ट क्या है, फ्रॉम द वेरी डे, जिस दिन से आया, कौन सा नहीं है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पॉइंट नंबर 5, मैं फिर से बता रही हूँ, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिस दिन से आया उसी दिन से इफेक्ट है, इससे पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस दिन से आया ही नहीं था, तो जिस दिन से आया उस दिन से मानो ना, बहुत पहले से क्यों मानोगे। और बच्चों एक लास्ट पॉइंट, जो इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था ना, तो टोटल उसमें बनाए गए थे 266 सेक्शंस, ठीक है, जिसमें से 1 से 75 था बच्चों हमारा ना जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, 76 से 123 था हमारा सेल ऑफ गुड्स के रूल। मैम क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारा अलग एक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है, अभी देखते हैं। 124 से 238 था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, और 239 से 266 था बच्चों हमारा पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप, वो तो अलग एक्ट है मैम, बिल्कुल, लेकिन ना ये वाला एक्ट और ये वाला एक्ट हमने इसको अलग कर दिया, इसको 1930 में, इसको 1932 में, हमने बोला नहीं कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, हम इसको सेल और पार्टनरशिप को कॉन्ट्रैक्ट में जोड़कर नहीं रख सकते, इसको यहाँ से हटाओ और एक सेपरेट एक्ट बनाओ, और हमने सेपरेट एक्ट बनाया और ये जगह कॉन्ट्रैक्ट में खाली हो गई। अब ये सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं है, क्योंकि ये बन चुके हैं रिपील्ड, और रिपील्ड का मतलब होता है नो लॉन्गर वैलिड। रिपील्ड का मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर वैलिड। तो सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप को हमने सेपरेट एक्ट कर दिया, और ये जगह खाली हो गई जिसे हम कहते हैं रिपील्ड, विच इज नो लॉन्गर वैलिड। और आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स में खाली जनरल कॉन्ट्रैक्ट सिलेबस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स विल कम अंडर इंटरलेवल, ठीक है। तो 5 पॉइंट देखो हमने क्या क्या किए बच्चों, असेंट डेट एंड एप्लीकेबिलिटी डेट, किसने बनाया, किसके बेसिस पे, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कौन सा इफेक्ट है प्रोस्पेक्टिव जिस दिन से आया, बहुत पहले से इफेक्ट नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और टोटल कितने सेक्शन से 266, जिसमें से सेल और पार्टनरशिप को जोड़ दिया गया था लेकिन बाद में हमने उसको सेपरेट कर दिया, और ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बन चुके हैं रिपील्ड, विच इज नो लॉन्गर वैलिड। तो बच्चों अब यहां से हम क्या शुरू कर रहे हैं, अब इतनी बातें अब आप लिखेंगे, यहां से अब हमने शुरू किया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट आप लिखेंगे, 5 पॉइंट इसका इंट्रोडक्शन वाला, अब आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं लेकिन आपको एग्जाम में कुछ शॉर्ट में नहीं लिखना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑप्टेंड इट्स असेंट ऑन 25 अप्रैल 1872 एंड वॉज एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of September 1872. It is prepared by British India on the basis of English common law. कहां कहां अप्लाई होगा, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट हैज प्रोस्पेक्ट इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों,
फ्रॉम द वेरी डे, जिस दिन से आया है उस दिन से इफेक्ट होगा. एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या बच्चों? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इफेक्ट नहीं होगा. पहले से बात मत करो, जिस दिन से आया है उस दिन से बात करो. व्हेन इंडियन कब बनाया गया था, कितने सेक्शन से? 266 है टोटल. कितने सेक्शंस? 266 सेक्शंस, जिसमें से क्या हुआ, 1 से 75 था हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. 76 से 123 था सेल ऑफ गुड्स के रूल. 124 to 238 था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड 239 से बच्चों 266 था हमारा पार्टनरशिप के रूल्स, राइट. लेकिन इन द ईयर 1930 सेल ऑफ गुड्स एंड इन द ईयर 1932 पार्टनरशिप क्या बन गया, बिकेम सेपरेट एक्ट. एंड दो सेक्शंस इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के वो सेक्शंस क्या हो गए, रिपील हो गए, वैलिड नहीं रहे. यानी कि अब उनकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि रूल्स निकाल के तो अलग ही कर दिए यार, अब क्या कर लोगे. सो नो लॉन्गर वैलिड. तो बच्चों चलो एक बार क्या क्या देखा हमने क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर आपको छोड़ते हैं. तो हमने आज देखा कि लॉ का मतलब क्या है. देखो सबसे पहले हमने शुरू किया, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ. लॉ का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट ने हम सिटीजंस के लिए बनाए टू कंट्रोल आवर एक्टिविटीज एंड टू प्रोवाइड अस सेफ्टी. बहुत सारे लॉ हैं लेकिन हमने दो किए, सिविल एंड क्रिमिनल. क्रिमिनल लॉ, रूल्स रेगुलेशन क्रिमिनल से रिलेटेड. क्रिमिनल वो है जो क्राइम करते हैं और क्राइम एक ऐसी एक्टिविटी है बहुत सीरियस नेचर की जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है. सिविल लॉ कवर करता है लेस सीरियस नेचर एक्टिविटी जिसके दो पार्ट्स हैं, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, जो कि हमारे सिलेबस में है. क्या सिलेबस में हमने देखा, अब एक्ट क्या है, लॉ के अंदर क्या आता है, एक्ट के अंदर प्रोविजंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, के अंदर सेक्शंस, के अंदर सब सेक्शंस, के अंदर क्लॉजेस, के अंदर सब क्लॉजेस. नाउ यू नो व्हाट आर सेक्शंस, सब सेक्शन, क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस. किसी भी एक्ट को बनाने के लिए वी हैव टू गो टू द पार्लियामेंट हाउस. फर्स्ट इट विल बी पास्ड बाय लोकसभा, देन राज्यसभा, एंड फाइनली व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट देन एक्ट इज पास्ड. यानी कि एक्ट इज प्रिपेयर्ड एंड अप्लाइज टू इंडिया, टू अस. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को असेंट मिली 25 अप्रैल 1872, एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1872 से. इसको प्रिपेयर किया ब्रिटिश इंडिया ने इंग्लिश कॉमन लॉ के बेसिस पे, अप्लाई होगा होल ऑफ इंडिया में. प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, जिस दिन से आया उस दिन से इफेक्ट होगा, बहुत पहले से इफेक्ट नहीं होगा. तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है. टोटल 266 सेक्शंस थे जिसमें से हमने पढ़ा कौन कौन से क्या क्या थे, लेकिन सेल ऑफ पार्टनरशिप को जोड़ दिया गया था और बाद में सेल ऑफ पार्टनरशिप को हमने सेपरेट एक्ट कर दिया और वो जगह कॉन्ट्रैक्ट में खाली हो गई, जिसको हम कहते हैं वो सेक्शंस बन गए रिपील्ड, यानी कि नो लॉन्गर वैलिड. बच्चों ये हमारा अप्रोच है कि हम रिवीजन करेंगे क्लास से पहले भी और क्लास के बाद भी. तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो तो स्टार्टिंग में करते हैं और लास्ट में वो करते हैं जो हमने दिन भर पढ़ा है, ठीक है. इतनी बातों में जिसको जो डाउट है वो बताएगा, इसके बाद बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.